राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनीज मसाला किचन में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट मीठा, और जो बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। हमारे यहाँ तो बच्चों को बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शौक से खाते हैं। ये तीखुर की बर्फ़ी बनी हुई है। तीखुर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है दोस्तों, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी तीखुर लिया हुआ है। ये देखिए मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है, आप तीखुर बोलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसे हम आधे घंटे के लिए, इसमें एक कटोरी तीखुर लिया है तो इसमें 3 कटोरी पानी डालकर आधे घंटे के लिए भिगा कर रख दें। ये देखिए आधा घंटे हो चुके हैं, हमने तीखुर को पानी में भिगा दिया था और इसे थोड़ा सा हाथों की सहायता से इस तरह मसला तो ये पानी में घुल गया है। अब हम इसे छान लेंगे जिसमें इसमें लम्स ना रहे। इस प्रकार से हमें ये तीखुर का सारा घोल अच्छे से छान लेना है। ये देखिए हमारा पूरा घोल जो है वो छन चुका है। छानने से थोड़ा बहुत जो कचरा है या लम्स है वो हमें पता चल जाता है कि कुछ है तो नहीं, ये हमने छान लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने जो ये घोल छाना हुआ है उसमें हम 1 कटोरी दूध डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें दूध डाल दिया है 1 कटोरी। इसके बाद अब हम इसमें आधी कटोरी शक्कर डालेंगे और इसे हम अच्छे से घोल देंगे। ये देखिए बर्फ़ी जमाने के लिए हमने ये ट्रे ली हुई है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे जिसमें कि हमारी बर्फ़ी चिपके ना, और इस घी को हम सारे फैला देंगे जिसमें कि हमारी बर्फ़ी जो है आसानी से निकल जाए। अच्छे से हमें सब तरफ लगा लेना है, किनारे किनारे सब जगह। ये देखिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और अब जो घोल हमने बनाया हुआ था उस सारे घोल को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। इसे हमें हाई फ्लेम में ही पकाना है, गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। और इसे हमें 5 मिनट तक लगातार चलाना है। ये देखिए हमें इसे लगातार चलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। ये बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है। इसमें इस पूरे प्रोसेस में हमको लगभग 3 से 4 मिनट के भी लगा है। और ये देखिए बहुत ही जल्दी झटपट हमारी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। कि हमने जो घी लगाया हुआ था ट्रे में उसी में हम इसको जल्दी से जमा देंगे, इस तरह फैला देंगे। ये तीखुर की बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे जरूर बनाकर खाएं। इसे हम चारों कोनों से अच्छा सा एक सा कर लेंगे। ये हमने पूरे में फैला दिया है और बस ये जब ठंडा हो जाएगा तो हमारी बर्फी बिल्कुल 5 मिनट में जमकर तैयार हो जाएगी। 5 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी बर्फी एकदम जम गई है, ये ठंडा हो चुका है। इसे जमने में 10 मिनट लगे हैं, 5 मिनट हमने इसको बाहर ही रखा रहने दिया था और 5 मिनट बाद हमने 5 मिनट के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था जिसमें ये जल्दी से सेट हो जाए। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे काट लेते हैं। तो इसे काटने के लिए हम इस तरह से, हम इसे इस प्रकार काट रहे हैं, आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से काट सकते हैं।
मैं इसे डायमंड शेप में काट रही हूँ। आप इसे स्क्वायर में भी काट सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ये देखिए कितनी शानदार बनी है हमारी बर्फी, बहुत ही आसानी से कट रही है और इसे काटने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और व्रत के लिए बढ़िया मीठा है ये। इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगा है और ना ज़्यादा समय लगा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा पीस निकल आया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट हमारा मीठा बनकर तैयार हो गया है, नवरात्रि व्रत स्पेशल। ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, ये बच्चे बड़े सब भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं, बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत अच्छा मीठा है, एकदम नरम बनता है ये। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।